Hello students, welcome to Shikshit. As we know, we are preparing for EPFO exam which is to be conducted in this October. For that purpose, I bring you these synonyms and antonyms. These will help you immensely to boost up your vocabulary. So let us start. So our first word is acumen. Acumen ka matlab hota hai kisi bhi insaan ki ek ability to take action क्विकली एंड विद अ साउंड माइंड, मतलब कि किसी इंसान की कितनी अच्छी कैपेबिलिटी है. जैसे हमारे में से कईयों की अच्छी सोच होती है, लाइक थिंकिंग पावर होती है कि किसी भी सिचुएशन में कौन सा स्टेप लेना चाहिए फॉर द फ्यूचर. उनको थोड़ा अच्छे से समझ आ जाता है एज कंपेयर टू अदर पर्सन. एक्यूमन इज कैन बी कॉल्ड एज अ ट्रेट और अ क्वालिटी ऑफ अ पर्सन एज वेल. सो इसका एक बार हम मीनिंग रीड कर लेते हैं. कीननेस एंड डेप्थ ऑफ परसेप्शन, डिसर्नमेंट और डिस्क्रिमिनेशन, स्पेशली इन प्रैक्टिकल मैटर्स. लाइक आई सेड, किसी की कीन निगाहें हैं, मतलब कि ही कैन सी द थिंग्स बिटवीन द लाइन्स. मीन्स बोलते हैं ना, रीड बिटवीन द लाइन्स, कि कोई भी जो चीज़ चल रही होती है उसको आप कितने अच्छे से परसीव कर रहे हो, कितने अच्छे से समझ रहे हो, और फिर उसके बाद जो आपने फ्यूचर के हिसाब से एक्शन लेने हैं, स्टेप्स लेने हैं, आप कितने अच्छे से ले रहे हो. That is acumen. ज़्यादा ये वाली चीज़ तब हमें फ़ायदा देती है, और ये वाला वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ प्रैक्टिकल मैटर से रिलेटेड होती है. प्रैक्टिकल मैटर्स में आ जाएंगे हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ भी आ सकती हैं, लेकिन लॉ मेकिंग हो गई, हमारे सिक्योरिटी हो गई, ऐसे प्रैक्टिकल मैटर्स, उनमें हम एक्यूमन वर्ड को यूज़ करते हैं. So let us see some of the synonyms. Synonyms में आ जाएगा awareness, brilliance. Obviously awareness का मतलब होता है a person who is very much aware of his surroundings is called awareness. The person who is in touch with his surroundings is called awareness. Brilliance का मतलब होता है to know and to have a good thinking capability, to have mind. सबके पास होता है, सब use करते हैं, लेकिन brilliance का मतलब ये होता है कि कौन कितने aptly, कितने अच्छे से यूज कर रहा है. तो इसके एंटोनिम्स में आ जाएगा स्टुपिडिटी. स्टुपिडिटी का मतलब हम सबको पता है, कोई भी चीज बिना सोचे समझे कर जाना इज स्टुपिडिटी. टेकिंग एनी स्टेप विदाउट थिंकिंग द कॉन्सिक्वेंसेस इज कॉल्ड स्टुपिडिटी. इग्नोरेंस. इग्नोरेंस का मतलब है कि हम सोच ही नहीं रहे हैं. हम लोगों को पता है सर्कमस्टेंस क्या है, बट वी आर चूजिंग टू नॉट सी, इट्स कॉल्ड इग्नोरेंस. नाउ लेट अस सी द यूज इन सेंटेंस. सेंटेंस में आ जाएगा केपेबल लॉयर्स विद बिजनेस एक्यूमन आर वैल्यूएबल टू एनी फर्म. बिजनेस एक्यूमन की बात हो रही है यहाँ पे. बिजनेस हमारा क्या होता है, जो भी चीज़ हमें बिजी रखती है इज कॉल्ड बिजनेस. सो कि एक एक इंसान का जो भी बिजनेस है, मेरा अगर टीचिंग बिजनेस है, मेरा जो लॉयर है ही इज़ वेरी वेल अवेयर ऑफ द टीचिंग बिजनेस इन द मार्केट राइट नाउ, तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा. सो आर नेक्स्ट वर्ड इज प्लेग. प्लेग का मतलब होता है कोई भी बीमारी जो बहुत ही ज़्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले ले, दैट इज कॉल्ड प्लेग. एंड विच स्प्रेड्स, वो एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंच जाती है. प्लेग कभी कंटेन नहीं हो पाता एंड इट स्प्रेड्स लाइक अ वाइल्ड फायर. प्लेग के बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट होते हैं, जिसके भी आजू बाजू प्लेग आता है, दैट पर्सन सफर्स अ लॉट. उनको फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली बहुत ज़्यादा ट्रॉमाटाइजिंग चीज़ों से गुजरना पड़ता है. सो प्लेग कैन बी यूज फॉर टू थिंग्स. इट कैन बी यूज टू डिफाइन अ डिजीज विच इज स्प्रेडिंग लाइक अ वाइल्ड फायर, एंड अदर वी कैन यूज दिस वर्ड फॉर एड्रेसिंग सम ऑफ द बैड सिचुएशंस, बैड पीपल एंड देयर इफेक्ट ऑन अदर पीपल. सो लेट अस सी द मीनिंग. सो इसका मीनिंग आ गया, समथिंग कॉज कंटिन्यूअल ट्रबल और डिस्ट्रेस. अ प्लेग इज अ वेरी इन्फेक्शियस डिजीज दैट स्प्रेड्स क्विकली एंड किल्स लार्ज नंबर ऑफ पीपल. ओके, लार्ज नंबर ऑफ पीपल होते हैं एक प्लेग के अंदर, एंड इट इज अ डिजीज दैट स्प्रेड्स एंड इट टेक्स ओवर एवरीथिंग जिसके भी वो कंटैक्ट में आती है. सो लेट अस सी सम ऑफ द सिनोनिम्स. सिनोनिम्स में हरास, पेस्टर, अनोइंग. हरास को इसलिए प्लेग में इसका सिनोनिम बोला गया है बिकॉज एनी पर्सन हु इज हरासिंग द अदर पर्सन, दैट पर्सन सफर्स मेंटली, फिजिकली,
दैट पर्सन सफर्स अ लॉट. दैट्स वाई अ पर्सन हु इज हरासिंग सम वन दैट कैन बी कॉल्ड लाइक अ प्लेग, विच इज लाइक विच इफेक्ट्स विच इन्फेस्ट एवरी वन अराउंड हिम. सो इसके सिनोनिम्स आ जाएंगे एड, एडवांटेज, बेनिफिट. लेट अस सी द यूज इन सेंटेंस. फियर अबाउट जॉब सिक्योरिटी प्लेग नियरली हाफ द वर्क फोर्स. मतलब कि कोई भी एक्स वाई जेड कंपनी है वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं हो रही है, तो ये वाला जो खौफ है, ये वाला जो डर है, वो लोगों को एक प्लेग की तरह खाए जा रहा है, हर एक को फैले जा रहा है. एंड इसी डर के कारण आधे से ज़्यादा लोगों ने जॉब छोड़ दी. सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज इम्पेडिमेंट. इम्पेडिमेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं उसमें कोई बाधा आ जाए, कोई हर्डल आ जाए, कोई रुकावट आ जाए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट कैन बी यूज वाइल डिफाइनिंग सम बार ऑल्सो. लाइक अगर इंसान है उसकी एज अभी कम है एंड ही इज़ नॉट ऑफ लीगल एज टू गेट मैरिड देन और टू ड्रिंक, देन वी कैन से ही हैव इम्पेडिमेंट इन हिज एज. लाइक ही कांट गेट मैरिड राइट नाउ बिकॉज ही इज़ अंडर एज, ही कांट ड्रिंक बिकॉज ही इज़ अंडर एज. सो इम्पेडिमेंट हम वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं. एंड दूसरा हो जाएगा वेन वी आर डिफाइनिंग सम बडीज फिजिकल डिफॉर्मेलिटीज. इफ समवन इज नॉट एबल टू परफॉर्म सम टास्क प्रॉपरली देन ऑल्सो वी कैन से कि इसकी इम्पेडिमेंट है. लाइक इफ अ पर्सन इज ट्राइंग टू स्पीक एंड ही कांट प्रनाउंस सर्टेन अल्फाबेट्स प्रॉपरली, लाइक कुछ लोग स को थ बोलते हैं, ऐसे कुछ होता है, दैट इज कॉल्ड अ लिस्प, देन ऑल्सो वी कैन से दैट अ पर्सन इज हैविंग स्पीच इम्पेडिमेंट. कुछ लोग होते हैं दे स्टटर का मतलब है हकलाते हैं, देन ऑल्सो वी कैन से ही हैज स्पीच इम्पेडिमेंट. सो इसके हम सिनोनिम्स देख लेते हैं. बैरियर, बार, हैंडीकैप लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर, ड्रॉबैक, ऑब्वियसली इट इज़ नॉट अ एडवांटेज, इट इज़ अ ड्रॉबैक, रिस्ट्रेंट. एंटोनिम्स में आ जाएगा सुपरविल, एडवांटेज, हेल्प, काइंडनेस. हेल्प इंसान हेल्प इसलिए हमने लिया है अगर हम खुद बिल्कुल फिट हैं, खुद मेरी दोनों टांगे प्रॉपरली वर्क कर रही हैं, देन ओनली आई विल बी एबल टू हेल्प अदर पर्सन हु इज़ नॉट एबल टू वर्क प्रॉपरली. मैं तभी उसको सहारा दे पाऊँगा या दे पाऊँगी. सो दैट इज वाई हेल्प ही यहाँ पे इसके एंटोनिम्स में लिया हुआ है. सो इसका यूज इन सेंटेंस देख लेते हैं. ही हैज़ एन इम्पेरिमेंट इन स्पीच. ही हैज़ एन इम्पेरिमेंट इन स्पीच मीन्स कि शायद से वो इंसान लिस्प कर रहा है या ही इज स्टटरिंग. ओके सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज हार्प. हार्प का मतलब होता है टू बी ऑब्सेस्ड विद वन टॉपिक. लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, दैट इज कॉल्ड हार्पिंग ऑन. वी यूज इट एज अ प्रोवर्ब दैट पर्सन इज हार्पिंग ऑन दिस टॉपिक, दैट पर्सन इज हार्पिंग ऑन बिकमिंग अ IAS ऑफिसर, लाइक दैट. जैसे हम लोगों ने कुछ थ्योरिस्ट बोलते हैं अपने आप को, इंटरनेट अगर आप लोग फॉलो करते होंगे तो उसमें कुछ लोग होते हैं दे आर लाइक ऑलवेज टॉकिंग अबाउट वन, लाइक इल्यूमिनाटी के बारे में बात कर रहे होते हैं, कुछ एलियंस के बारे में बात कर रहे होते हैं, सम आर ट्राइंग टू प्रूव गॉड्स आर एलियन, लाइक दीज ऑल थिंग्स, लाइक दे आर हार्पिंग ऑन. ओके सो लेट अस सी द मीनिंग. टू टॉक और राइट परसिस्टेंटली एंड टीडियसली ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक इज कॉल्ड हार्प. सो इसका सिनोनिम देख लेते हैं और एंटोनिम देख लेते हैं. सिनोनिम में आ जाएगा दृथल और ड्वेल ऑन. दृथल एंड ड्वेल का मतलब यही है. आई एम नॉट श्योर इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, सॉरी. ड्वेल का मतलब यही होता है टू लिंगर ऑन, टू बी जस्ट ऑलवेज प्रसिस्टेंट एंड टू बी जस्ट लाइक टचिंग दैट टॉपिक जब भी आपको टाइम मिले, दैट्स कॉल्ड ड्वेलिंग. एंटोनिम्स में आ जाएगा अंडर चेंज, स्प्रेड, फियरफुलनेस, ग्लंटलेसनेस, डिसअलाउ. ओके अंडर चेंज एंड स्प्रेड इसमें इसलिए लिया हुआ है बिकॉज हार्प में जो इंसान होता है दैट इज ऑलवेज लाइक अ पॉइंट, जस्ट दे आर पॉइंटिंग एट वन टॉपिक. एंड इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा कि उनका जो ध्यान है वो स्प्रेडेड है, वो हर एक जगह है, हर एक जगह दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इट. ओके इसका यूज इन सेंटेंस देख लेते हैं.
ही कीप्स ऑन हार्पिंग द सेम प्रोसीजर. वी कैन बी टॉकिंग अबाउट एक्स वाई जेड इंसान जो कि सेम प्रोसेस, जो भी उसका प्रोसेस होगा जिसको वो पसंद होगा ऑब्वियसली, तभी वो बार बार कर रहा है. ही इज जस्ट हार्पिंग द सेम प्रोसेस, मीन्स ही इज डूइंग द सेम प्रोसेस, ही इज रिपीटिंग द सेम प्रोसेस ऑन एंड ऑन एंड ऑन. सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज एब्सर्डिटी. एब्सर्डिटी का मतलब होता है फूलिश, रिडिक्युलस, स्टूपिड, नॉट कनिंग. एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, इफ वी आर टॉकिंग इन अ सीरियस सेंस, सो एब्सर्ड का मतलब हो जाएगा समथिंग टू बी जस्ट लाफ्ड एट एंड नॉट टू बी टेकन सीरियसली. सो दैट इज अ वेरी गुड वे टू टेल समबडी दैट दे आर बींग जस्ट फूलिश. सो इसका एक बार मीनिंग रीड कर लेते हैं. द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बींग रिडिकुलस और वाइल्डली अनरीजनेबल. या आई जस्ट टोल्ड यू इट इज अ ट्रेट. एक्चुअली में ये एक ट्रेट है, हम एक इंसान का या एक सिचुएशन का बताना चाह रहे हैं. दैट इट इज एब्सर्ड, लाइक वी कैन यूज इट इन अ सीरियस वे ऑल्सो वेन वी आर ट्राइंग टू टेल समबडी दैट द थिंग विच वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स नॉट सीरियस, इट्स नॉट कनिंग, इट्स नॉट स्मार्ट. देन ऑल्सो वी कैन यूज दिस वर्ड एब्सर्डिटी, एब्सर्ड. सो लेट अस सी सम ऑफ द सिनोनिम्स. सिनोनिम्स में सबसे पहले आ गया ल्यूडिक्रिसनेस. ल्यूडिक्रिसनेस का मतलब होता है वेरी फूलिश, सो फूलिश. प्रैक्टिकलिटी का मतलब भी होता है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज स्टूपिड, दैट इज नॉट स्मार्ट. विजिबिलिटी, लाइक इट इज लाइक नॉट वेरी रिजिस्टेबल. एंड सिलीनेस, सिलीनेस का मतलब हम सबको ही पता है, दैट इज वेरी मच इरिटेटिंग एंड इट इज लाइक अनोइंग. सो एंड एंटोनिम्स में आ जाएगा रैशनैलिटी. इफ वी आर डूइंग समथिंग विद पर्पज, वी आर गिविंग एक्सप्लेनेशन अबाउट इट एंड एवरीबडी इज एग्रींग दैट कि हाँ ये स्टेप जो लिया है इसके पीछे दिमाग लगा है, देन वी कैन से दैट सर्टेन स्टेप, सर्टेन सिचुएशन, सर्टेन पर्सन इज बिहेविंग इन अ रैशनल वे. प्रूडेंस, सेंस, परसेप्शन, एवरीथिंग मीन्स द सेम रैशनैलिटी जैसे. ओके, सो यूज इन सेंटेंस देख लेते हैं. आई फाइंड द मैन ग्रोइंग इंक्रीजिंगली एंग्री एट द एब्सर्डिटी ऑफ द सिचुएशन. लाइक वी आर गोइंग थ्रू सम डिफिकल्ट टाइम्स, कोरोना वायरस एंड ब्लैक लाइफ मैटर्स, एंड सम ऑफ द पीपल आर गेटिंग वेरी मच एंग्री ऑन द सिचुएशन वेन दे आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट दैट मैटर एंड दे आर ब्रिंगिंग अप द अदर मैटर. सो ओके, सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज एफिलिएशंस. एफिलिएशंस का मतलब होता है कि जब हम किसी एक इंसान के, किसी एक बिजनेस के, किसी एक बड़ी संस्था के, विच इज बिगर देन अस, वी आर इन एसोसिएशन, वी आर इन लिंक विद, वी आर इन कनेक्शन विद, दैट इज कॉल्ड एफिलिएशंस. एफिलिएशन कैन बी ऑल्सो डिफाइंड एज अ पार्टनरशिप बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स. सो इसका एक बार मीनिंग हम रीड कर लेते हैं, दैट विल हेल्प यू. द स्टेट और प्रोसेस ऑफ एफिलिएटिंग और बींग एफिलिएटेड. तो अब एफिलिएट का मतलब पढ़ लेते हैं. एंड एफिलिएट इज डिफाइंड as a person who is in some way connected to other person or organization, like a thing which is coming together, like people are coming together to build up something bigger, that is called affiliation, affiliate hona. Like we all are students, we are affiliated with our universities, we are affiliated with our schools, we came together, we studied there, so we are in a connection with that place, that's why we are in affiliation with that place. Like we all are Indian, despite the fact of caste, race, religion, gender, we all are Indian at the end of the day. So we all being the citizens of this country, we are in affiliation with our country, proud to be Indian. So hamare synonyms isme aage amalgamation. Amalgamation ka matlab hota hai to bring two or more things together, unka merge karna. Integration, same. फेडरेशन मीन्स अ संस्था बोलते हैं फेडरेशन को, अ ग्रुप. कपलिंग, कपलिंग मीन ऑल्सो मीन द सेम ग्रुपिंग. एंटोनिम्स आ जाएगा डिसोसिएशन. डिसोसिएशन का मतलब कि अगर कोई एसोसिएशन थी उससे हट जाना, निकल जाना. क्लैश, क्लैश मीन लड़ाई, झगड़े. डिसएग्रीमेंट मीन्स टू पर्सन आर हैविंग ऑपोजिट ओपिनियन एंड दैट इज क्रिएटिंग द डिसएग्रीमेंट. दे आर नॉट कमिंग टू द सेम पॉइंट, सेम फोकल पॉइंट. तो यूज इन सेंटेंस देख लेते हैं. द सोसाइटी हैज मैनी एफिलिएशन थ्रू आउट द कंट्री. जो हमारी सोसाइटी है,
जिसमें हम पले बड़े हैं और जिस कंट्री में हम हैं उसमें बहुत सारी एफिलिएशन हैं, छोटी 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 छोटी, छोटी भी हैं बड़ी भी हैं, दे कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम, देयर जेंडर, देयर कास्ट, देयर मे बी देयर वर्किंग सिचुएशंस, लाइक आई टी वाले, गवर्नमेंट जॉब वाले, लाइक दैट. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. आई होप यू ऑल लाइक इट. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. And keep on watching, keep on supporting. Thank you.